विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार, कसे आहात? अपेक्षा करतो बरेच असणार. आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्यासाठी MHT CET चे काही PYQs घेऊन आलेलो आहे. चॅप्टर कोणतं? हॅलोजन डेरिव्हेटिव्स. प्रत्येक कन्सेप्टवर आधारित प्रश्न या व्हिडिओमध्ये समाविष्ट करण्याचा माझा प्रयत्न आहे. व्हिडिओ थोडा लांब होऊ शकतो, 50 प्रश्न या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला बघायला मिळतील. अशा प्रकारचे 3 ते 4 व्हिडिओज बनवण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. माझी तुम्हाला नम्र विनंती आहे की हा व्हिडिओ बघण्यापूर्वी तुम्ही हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हचा चांगला अभ्यास करायला हवा, प्रत्येक रिॲक्शनची रायटिंग प्रॅक्टिस करायला हवी, आणि व्हिडिओ बघताना क्वेश्चन वाचला की पहिले आन्सर काढण्याचा प्रयत्न तुम्ही करावा. आन्सर जर नाही आलं तर ते कशा प्रकारे काढायचं, शॉर्टकट काय राहणार, हिंट काय राहणार, कुठे कोणतं लॉजिक वापरायचं, हे तर मी तुम्हाला सांगणारच आहे. जितके व्हिडिओ मी बनवणार ते सगळे व्हिडिओ जर तुम्ही बघितले आणि त्याची जर चांगल्या प्रकारे रायटिंग प्रॅक्टिस केली, प्रत्येक प्रश्नाचा सराव केला, तर येणाऱ्या MHT CET परीक्षेमध्ये तुम्हाला चांगले गुण नक्कीच मिळतील याची मी तुम्हाला खात्री देतो. तर वेळ वाया न दवडता आजचा आपण पहिला प्रश्न डिस्कस करणार आहोत. व्हॉट इज मॉलेक्युलर फॉर्म्युला ऑफ अलाइल ब्रोमाइड? सगळ्यात पहिले अलाइल ब्रोमाइडचा फॉर्म्युला, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला तुम्हाला लिहावं लागेल. अलाइलचा फॉर्म्युला पाठ करून घ्यायचा. CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 इसको याद करना है. अलाइल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH2, व्हाट इज द नेम? अलाइल ग्रुप. और ब्रोमाइड के लिए जोड़ोगे Br. अब एकून कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, देयरफॉर C3 रहेगा. H एकून कितने हैं? 2+1, 3+2, 5 रहेगा. और Br एक ही है. ये मॉलिक्युलर फॉर्मूला कहलाएगा, इसलिए आपका आंसर देखिए कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए. रू द ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर दिया है बिलोंग्स टू. अब कैसे आइडेंटिफाई करना? तो यहां स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा बेंजीन को Br जुड़ा है. जब हैलोजन बेंजीन को जुड़ता है तो उस कंपाउंड का क्लास कौन सा रहेगा? अराइल हैलाइड. इसलिए आपका आंसर डी. क्वेश्चन नंबर 3. विच अमंग द फॉलोइंग इज हेलो अल्काइन? हेलो अल्काइन को कंसंट्रेट करना. हेलो अल्काइन क्या है एग्जैक्टली? अल्काइन में दो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है बताइए तो जरा. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहता. फिर हेलो अल्काइन्स कैसे बनाना? किसी भी एक कार्बन को हाइड्रोजन जोड़ोगे, दूसरे को हाइड्रोजन जोड़ना, ताकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी. अब यहां हाइड्रोजन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को जुड़ा है. जब भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp. अच्छे से याद कर लेना. जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp3 रहेगा. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में sp2 फिक्स रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड में sp रहेगा. तो इस कंपाउंड में हाइड्रोजन इज अटैच टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. कहां दिया है देखना जरा. sp2 है यहाँ, यहाँ sp3 है, यहाँ sp है. इसलिए आपका आंसर ऑप्शन सी. फोर्थ क्वेश्चन. विच स्टेटमेंट इज इट ट्रू फॉर विनाइलिक हैलाइड? सबसे पहले विनाइलिक हैलाइड का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा. विनाइलिक हैलाइड का स्ट्रक्चर लिखते समय विनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर आपको पहले लिखना है. क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH और इसको हम हैलोजन जोड़ेंगे. इसको कहते हैं विनाइलिक हैलाइड. आपको अच्छे से याद रखना है विनाइल ग्रुप का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH. इस कार्बन को हम विनाइलिक कार्बन कहेंगे और विनाइलिक कार्बन को हैलोजन जुड़ा, इसलिए कहना विनाइलिक हैलाइड. अब इस कार्बन ने कौन सा बॉन्ड बनाया? डबल बॉन्ड. जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता हाइब्रिडाइजेशन फिक्स्ड रहता sp2. तो इस कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को कौन जुड़ा? हैलोजन. तो ऑप्शंस देखिए कहां है. sp है यहां, यहां sp2 है, हैलोजन बॉन्डेड टू sp2, इसलिए आंसर ऑप्शन बी. फिफ्थ क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग इज एलिलिक हैलाइड?
यहाँ पे भी पहले एलिलिक हैलाइड का स्ट्रक्चर आपको लिखना पड़ेगा, उसके लिए एलाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसको एलाइल ग्रुप पढ़ना, अच्छे से मगअप कर लोगे। उसके बाद उसे हैलोजन एटम यहाँ जोड़ना। अब इसको हम एलिलिक हैलाइड क्यों कहेंगे, तो ये कार्बन जो आपको दिख रहा वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जुड़ा है, इस कार्बन को कहना एलिलिक कार्बन। हैलोजन इज अटैच टू एलिलिक कार्बन, इसलिए इसे एलिलिक हैलाइड कहना। अब एलिलिक हैलाइड को पहचानना कैसे, तो इसमें इस प्रकार का लिंकेज दिखना चाहिए, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, और इसको हैलोजन जुड़ा होना चाहिए। ये लिंकेज आपको अच्छे से याद रखना, जहां ऐसा लिंकेज रहेगा वो एलिलिक हैलाइड को बिलोंग करेगा। अब हम ऑप्शन ए का स्ट्रक्चर लिखेंगे, 1-chloropropene। तो स्ट्रक्चर लिखते समय यहाँ रूट वर्ड एड देखना कौन सा है, प्रो, प्रो मीन्स कितने कार्बन, 3। नंबरिंग करना राइट टू लेफ्ट इस प्रकार से, सफिक्स ENA मतलब कौन सा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ लिखोगे, तो ऑलवेज IUPAC का नियम कहता है फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन लोएस्ट होना चाहिए, लोएस्ट मतलब डबल बॉन्ड एक के बाद आएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा। देन 1-chloro मतलब फर्स्ट कार्बन को और क्या जोड़ना है, Cl जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए पहला स्ट्रक्चर हमने लिखा, क्या इसमें ऐसा वाला लिंकेज आपको दिख रहा क्या, सी डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड CH, नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए आंसर नहीं रहेगा। 2-chloropropene का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, सी सी डबल बॉन्ड सी, यहां रहेगा CL। अब ये इसको रिसेम्बल करता है क्या, नहीं, इसलिए ऑप्शन बी भी आंसर नहीं रहेगा। 3-chloropropene का स्ट्रक्चर रहेगा सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यहां रहेगा थर्ड कार्बन सेकंड फर्स्ट। अब देखिए जरा, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी Cl मतलब हैलोजन, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ हैलोजन जुड़ा है, मतलब ये जो है वो एलिलिक हैलाइड को बिलोंग करेगा, इसलिए आंसर ऑप्शन सी। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग इज बेंजीलिक हैलाइड। फिर से वही बेंजीलिक हैलाइड का स्ट्रक्चर पहले आपको लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना है, बेंजीन रिंग बनाओगे, उसको एक कार्बन जोड़ोगे, बेंजीन रिंग को जुड़े हुए कार्बन को कहना बेंजीलिक कार्बन, लक्षण ठेवा, जो कार्बन बेंजीन को जुड़ता उसे बेंजीलिक कार्बन कहना, और इसको अगर हैलोजन जुड़ता है तो इसको बेंजीलिक हैलाइड कहना। अब एक एक स्ट्रक्चर लिखेंगे, एक का स्ट्रक्चर देखिए, 1-chloro-2-phenyl-ethane, इथेन मतलब दो कार्बन रहेंगे, 1-2, इथेन है यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा, 1-chloro मतलब पहले को सीएल जोड़ना, दूसरे को फिनाइल जोड़ना, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग रहेगा इस प्रकार से रहेगा, और उसके बाद यहाँ बैलेंस भी सेटिस्फाई नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि हमें आंसर कम समय में फाइंड आउट करना है। 1-chloro-2-phenyl हो गया। अब बेंजीन रिंग यहाँ है, बेंजीन को जुड़ा हुआ ये कार्बन है, क्या इसको हैलोजन जुड़ा है क्या, नहीं, इसलिए ए आंसर नहीं। 4-iodotoluene, टोलुइन का स्ट्रक्चर लिखते समय सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओगे और उसको कौन सा ग्रुप जोड़ोगे, CH3। अब यहाँ 4-iodo लिखा है, इसलिए इसको अगर नंबर 1 देंगे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, चौथे को क्या जोड़ना है, आयोडो मीन्स आयोडीन जोड़ना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर में देखिए, बेंजीन को जो कार्बन जुड़ा है ये वाला, क्या इसको कोई हैलोजन जुड़ा है क्या, नहीं, इसलिए बी आंसर नहीं। सी है आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन मतलब इस प्रकार से रहेगा, ये बेंजीन हो गया और इसको कहीं पे भी आने जोड़ दो। अब इस बेंजीन को कोई कार्बन जुड़ा है क्या, नहीं, मतलब बेंजीलिक कार्बन यहाँ एब्सेंट है, इसलिए ऑप्शन सी भी आंसर नहीं रहेगा, आंसर इज ऑप्शन डी। इसका भी स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, मिथेन, मिथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4 पहले वो लिखने का, उसके बाद आयोडो मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन कम करना, एक आयोडीन जोड़ना, उसके बाद फिनाइल मतलब एक और हाइड्रोजन कम करोगे और यहाँ बेंजीन रिंग जोड़ोगे। अब देखो बेटा, इस बेंजीन रिंग को जो कार्बन जुड़ा है उसको हैलोजन यहाँ अटैच है, इसलिए बेटा यही बेंजीलिक हैलाइड कहलाएगा।
नंबर सेवन, आइडेंटिफाई डायहेलोजन कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ डायहेलोजन का मतलब आपको पता होना चाहिए, डाय मतलब दो होता है, तो इस कंपाउंड में दो हेलोजन एटम्स रहेंगे। अगर मोनो कहीं लिखा है तो वन रहेगा, ट्राई है तो थ्री रहेगा। अब आपको चार में से ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करना है जिसमें दो हेलोजन एटम्स रहेंगे। तो देखो जरा, पहला ऑप्शन जो है उसमें नाम क्या लिखा है, वन वन डायक्लोरो, डाय मतलब दो, क्लोरो मतलब हेलोजन रहेगा। पहले ही कंपाउंड में दो हेलोजन एटम है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर एट, आइडेंटिफाई टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है, ये जानने के पहले आपको कार्बन के कितने प्रकार है ये पता होना चाहिए। कार्बन चार प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। अब कैसे पता चलेगा कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है? तो देखिए बेटा, इस प्रकार से हम एग्जाम्पल यहां जस्ट कार्बन स्केलेटन एंड कंसिडर कर रहे हैं। ये कार्बन देखिए सिर्फ दूसरे एक ही कार्बन को जुड़ा है, इसलिए इसको प्राइमरी कार्बन कहना। दिस कार्बन इज अटैच टू अदर टू कार्बन एटम्स, इसलिए इसे सेकेंडरी कहना। ये कितने से जुड़ा है, तीन कार्बन एटम्स से, इसलिए इसे आप टर्शरी कहोगे। और ये कितने कार्बन से जुड़ा है, चार, इसलिए इसको क्वार्टरनरी कहना। तो अच्छे से याद रखना, कार्बन चार प्रकार के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। प्राइमरी कार्बन इज अटैच टू ओनली वन कार्बन, सेकेंडरी अटैच टू ओनली टू कार्बन, टर्शियरी अटैच टू थ्री कार्बन एंड क्वार्टरनरी अटैच टू फोर कार्बन। अब हमें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड चाहिए जिसमें बेटा हैलोजन किसको जुड़ा रहेगा, टर्शियरी कार्बन को। अब एक एक ऑप्शन हम डिसाइड करते हैं। ऑप्शन ए देखिए जरा, यहां लिखा है CH3 thrice CbR, हैलोजन इस कार्बन को जुड़ा है। ये कार्बन कितने कार्बन को जुड़ा है, तो यहां देखिए तीन मिथाइल ग्रुप्स दिख रहे हैं। तीन मिथाइल ग्रुप्स मतलब तीन कार्बन रहेंगे, तो दिस कार्बन इज अटैच टू थ्री कार्बन एटम्स, देयरफॉर इसका टाइप कौन सा हुआ, टर्शियरी कार्बन। और टर्शियरी कार्बन को हैलोजन जुड़ा, इसलिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन ए। Which halogen derivative does not match correctly with its structure? अब चारों options में आपको नाम दिख रहे हैं और structures भी दिख रहे हैं। कौन सा correctly match नहीं होता, ये identify करना है। पहला option vinylic halide। अब vinylic halide में कौन सा bond रहता है, carbon carbon double bond, जिसको halogen जुड़ा रहेगा। क्या ऐसा linkage आपको यहाँ कहीं दिख रहा है क्या, देखिए तो यहाँ carbon रहता, यहाँ भी carbon रहता और यहाँ halogen, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हैलोजन जुड़ा है, इसलिए हम इसे विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। याद रखना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैलोजन, इसको विनाइलिक हैलाइड ही कहा जाता, लिंकेज आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा, हैलो अरीन दिया है, अरीन में बेंजीन रिंग, याद रखना बेंजीन को जब हैलोजन जुड़ता हैलो अरीन कहलाता। यहां बेंजीन को डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा है, इसलिए बी इज ऑल्सो करेक्ट। हैलो अल्केन मतलब क्या होगा, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हैलोजन जुड़ता है तो हेलो अल्केन कहना। यहां इस कार्बन को हैलोजन जुड़ा है जो तीन अल्काइल ग्रुप को जुड़ा है, मतलब यहां कार्बन ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाए हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्टली मैच हो रहा, तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जिसका स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसे होता है, बेंजीनिक हैलाइड मतलब बेंजीन बनाना, उसको कार्बन जोड़ना, इस कार्बन को हम बेंजीनिक कार्बन कहते हैं, उसको हैलोजन जोड़ना। ऐसा अगर लिंकेज रहता है तो बेंजीनिक हैलाइड, जो कि यहां हमें दिख नहीं रहा। Which from the following is vinylic halide? फिर से vinylic halide। विनाइलिक हैलाइड को कैसे पहचाना, तो पहले विनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर लिखोगे CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको हैलोजन जोड़ोगे। फिर भी पहचाना कैसे, हर बार आपको ऐसा ही ग्रुप दिखेगा विनाइलिक हैलाइड में, जरूरी नहीं, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि विनाइलिक हैलाइड में ऐसा लिंकेज होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हैलोजन जुड़ा चाहिए। यहाँ कहीं ऐसा दिख रहा क्या, नहीं, हैलोजन इस कार्बन को जुड़ा, इसने सिंगल बॉन्ड बनाया, मतलब ऑप्शन ए आंसर नहीं रहेगा। उसके बाद हैलोजन जिस कार्बन को जुड़ा उसने बाद में इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया, इसलिए ये भी आंसर नहीं रहेगा। फिर सी में देखना, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हैलोजन जुड़ा है, इसलिए आंसर इज ऑप्शन सी। 11, विच इज हैलो
अल्काइल। फिर से देखिए, आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा। कौन सा अल्काइल में कौन सा बॉन्ड रहता? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो अल्काइल में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हैलोजन जोड़ना, ठीक है। अब देखिए, हेलो अल्काइल में ऐसा लिंकेज चाहिए। अब पहले का स्ट्रक्चर हम लिखेंगे क्लोरो इथाइन। इथ मतलब कितने कार्बन, दो। वाई एन ई यानी ट्रिपल बॉन्ड, और क्लोरो इथाइन मतलब दो में से किसी भी एक कार्बन को सीएल जोड़ना, दूसरे को एच जोड़ना, ताकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। अब देखो ऐसा लिंकेज यहाँ है क्या, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एक्स मतलब हैलोजन, ऐसा लिखे जिसमें है, इसलिए आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12। आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड इज। सबसे पहले ब्यूटाइल का मतलब पता होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर आपको लिखना पड़ेगा। ब्यूटाइल अल्काइल ग्रुप है जिसमें कितने कार्बन रहेंगे, चार। एक, दो, तीन। अब आइसो कब यूज करना, जब सेकंड कार्बन को, मान लो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, तो इसको हम एक मिथाइल ब्रांच जोड़ेंगे, ठीक है। अब बीआर कहाँ जोड़ना, तो यहां पे आपको बीआर जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर। अगर हम वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ तीन ऐड करना पड़ेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स ऐड करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार। यहाँ कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, एक को चार करना है, कितना हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, थ्री। यहाँ कार्बन ने एक दो तीन बॉन्ड्स बनाए हैं, तीन को चार करने के लिए एक हाइड्रोजन ऐड किया, और यहाँ पे दो बॉन्ड्स बनाने के कारण दो हाइड्रोजन्स हमने ऐड किए। अब ये स्ट्रक्चर मिल गया आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। आपको कौन सा नाम लिखना है, आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम लिखते समय सबसे पहला रूल यूज करना, कार्बन चेन शुड बी लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट में कितने कार्बन आएंगे, वन टू थ्री, वन टू थ्री। हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, एक बीआर, दूसरा सीएच3। सब्स्टिट्यूएंट्स किसको कहना, जो फंक्शनल ग्रुप नहीं कहलाते। सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना। इसके लिए प्रीफिक्स यूज करना ब्रोमो, इसके लिए मिथाइल। ब्रोमो का पहला लेटर बी, मिथाइल का पहला लेटर एम। एबीसीडी बोलो जरा, पहले कौन आएगा, बी या एम। बी, इसलिए बेटा नाम लिखते समय रहेगा वन ब्रोमो, टू मिथाइल, तीन कार्बन अल्केन कौन सा, प्रोपेन। कहाँ है ऐसा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए इज 13। कॉमन नेम ऑफ वन क्लोरो टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन इज। यहां सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। ये आपको आईपीसी नेम दिया है जिसमें रूट वर्ड है प्रोप। प्रोप मीन्स कितने कार्बन रहेंगे, तीन। सफिक्स दिया है ए यानी, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड। नंबरिंग करेंगे किस प्रकार से, वन टू थ्री, राइट टू लेफ्ट। फर्स्ट कार्बन को क्या जुड़ा है, क्लोरो, क्लोरो मीन्स सी एल। सेकंड कार्बन को दो मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हैं, तो यहाँ एक मिथाइल रहेगा, यहाँ दूसरा मिथाइल रहेगा। अब कार्बन सी वैलेंसी सेटिस्फाई करना है, वैलेंसी चार होती है कार्बन की, यहाँ एक बॉन्ड बना है, एक को चार करने के लिए कितने हाइड्रोजन ऐड करना, तीन। यहाँ कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, और यहाँ कार्बन ने दो बॉन्ड्स बनाए, दो को चार करना है, कितने हाइड्रोजन ऐड करना, दो। अब इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो कॉमन नेम कौन सा लिखना है। मान लो ये स्ट्रेट चेन है तो इसको हम ब्रांच कहेंगे। स्ट्रेट चेन में फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, तो इस सेकंड कार्बन को ब्रांचिंग में कौन कौन से ग्रुप जुड़े हैं, दो मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हैं। जब सेकंड कार्बन को ऐसे दो मिथाइल ब्रांचेस जुड़े रहते हैं, ऑलवेज यूज प्रीफिक्स नियो। नियो कहाँ है, ऑप्शन डी में, नियो। नंबर 14, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ थ्री ब्रोमो प्रोपीन। ऐसा एक क्वेश्चन इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है,
अब लॉजिक आपको पता चल गया होगा, ऐसी आशा करता हूं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को नहीं समझा होगा, इसलिए हम इसको और एक बार एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपको थ्री ब्रोमो प्रोपीन का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। रूट वर्ड कौन सा है? प्रोप, कितने कार्बन रहेंगे? तीन। देन सफिक्स कौन सा है? एन ए। एन ए यानी कौन सा बॉन्ड रहेगा? डबल बॉन्ड। लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ देंगे? यहां पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, चलेगा। यहाँ डबल बॉन्ड लिखा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा। उसके बाद नंबरिंग यहां से स्टार्ट करना, 1 2 3, जिस साइड में डबल बॉन्ड दिया है कॉर्नर में, वही से नंबरिंग स्टार्ट करना है। और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा? ब्रोमो। कौन से कार्बन को जोड़ा? थर्ड कार्बन को। ब्रोमो के लिए क्या जोड़ना? बी आर। वैलेंस से सेटिस्फाई करना है, दो बॉन्ड्स बनाए, चार के लिए यहाँ H2 रहेगा। यहाँ 1 2 3 बने हैं, एक हाइड्रोजन ऐड करो, चार हो जाएगा। ये दो बॉन्ड बनाया, यहाँ दो हाइड्रोजन, चार हो जाएगा। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखना? टोटल कार्बन कितने हैं? तीन। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 + 1 + 2, 5। एंड बी आर, आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15, व्हाट इज आईयूपीएसी नेम फॉर? स्ट्रक्चर आपको दिया है, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखना है ऐसे स्ट्रक्चर का, ये 12th के सिलेबस में दिया ही है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छे से बता पाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगता है। देखिए, यहाँ हैलोजन मतलब आयोडीन किसको जुड़ा है? CH2 ग्रुप को, इसलिए बेटा पैरेंट चेन इसे ही कंसीडर करना, जिसमें कितने कार्बन आएंगे? ओनली वन। तो व्हाट अबाउट दिस बेंजीन रिंग? इसे सब्स्टिट्यूएंट कहना। जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट रहता है तो उसके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करना? फिनाइल। आई इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, जिसके लिए प्रीफिक्स कौन सा रहेगा? आयोडो। अब आयोडो का पहला लेटर आई, फिनाइल का पहला लेटर पी, फिर से एबीसीडी अच्छे से याद कर लेना, कौन पहले आएगा, आई या पी? तो बेटा आई पहले आएगा, इसलिए आई के लिए आयोडो पहले लिखना, ये सब आपको याद होना चाहिए। बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट रहता, प्रीफिक्स फिक्स्ड है, फिनाइल। वन कार्बन अल्केन कौन सा? मीथेन। कहां है? यस, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ पैरा आयोडो टोलुइन? पुन्हा इथे आपल्याला स्ट्रक्चर लिहावं लागेल। स्ट्रक्चर कसं लिहायचं? तर सगळ्यात पहिले टोलुइनचा फॉर्म्युला किंवा स्ट्रक्चर तुम्हाला लिहावं लागेल। टोलुइन मध्ये कोण कोणाला जोडलं असतं चांगल्या प्रकारे लक्षात ठेवा। बेन्झीनला जेव्हा आपण CH3 ग्रुप जोडतो त्याला टोलुइन असं म्हणतात। त्याच्यानंतर दिल्या पॅरा आयोडो, पॅरा पोझिशन कोणती? तर बेटा या अपोजिट पोझिशनला पॅरा म्हणायचं। आपल्याकडे तीन प्रकारच्या पोझिशन्स आहे, ऑर्थो, मेटा, पॅरा। ऍडजेसंट असेल तर ऑर्थो म्हणायचं, अल्टरनेट होगा तो मेटा कहोगे, अपोजिट होगा तो पॅरा कहोगे, इसलिए हमें आय यहां जोड़ना पड़ेगा। अब नाम लिखना है, कैसे लिखोगे? तो यहाँ सभी ऑप्शंस पढ़ने के बाद आपको बेंजीन ही दिख रहा, कहीं टोलुइन नहीं दिख रहा। तो पैरेंट हाइड्रोकार्बन कौन सा कंसिडर किया है? बेंजीन। इसका मतलब ये आई और CH3 दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे। अब आई के लिए प्रीफिक्स कौन सा? आयोडो। CH3 के लिए प्रीफिक्स कौन सा? मिथाइल। आयोडो का पहला लेटर आई, मिथाइल का पहला लेटर एम। अल्फाबेटिकली विच वन विल कम फर्स्ट? आयोडो। फिर आईयूपीएसी का रूल क्या कहता है? जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको कम से कम पोजीशन देना। कम से कम पोजीशन मतलब वन रहेगा, इसलिए हम वन यहां से स्टार्ट करेंगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिर नाम लिखना है क्या रहेगा? वन आयोडो, 4 CH3 का प्रीफिक्स कौन सा रहेगा? मिथाइल। एंड पैरेंट हाइड्रोकार्बन इज बेंजीन। वन आयोडो, 4 मिथाइल, बेंजीन। ऑप्शन सी इज द आंसर। नंबर 17, आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है। अब इस स्ट्रक्चर को कौन सा फॉर्मूला कहा जाता है, क्या बता सकते हो? जहां कार्बन चेन जिगजैग मैनर में आपको दिख रही है,
ऐसे फॉर्मूले को हम कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या कहते हैं? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखते समय आपको पैरेंट चेन को जिगजैग मैनर में ही लिखना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि JEE, नीट या CET में जनरली ऐसे ही बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को यूज किए जाते हैं। अब IBCNI में कैसे लिखना, तो स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाएंगे, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे ताकि सबको आसानी से समझेगा। IUPAC के रूल आपको अच्छे से याद रखना है। किसी भी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है बेस्ड ऑन IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब देखो पहला रूल वही याद रखना, पैरेंट चेन शुड बी लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस। काउंट करना पड़ेगा लॉन्गेस्ट चेन मतलब कितने कार्बन रहेंगे। अब बच्चे किस प्रकार से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 आगे, और इस सेकंड वे में काउंट करके देखना ताकि 6 से ज्यादा कार्बन आ सकते हैं क्या। तो हम काउंट करके देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 से ज्यादा पॉसिबल है क्या? नहीं, मतलब हमारा पैरेंट चेन इस प्रकार से हो गया है। अब नंबरिंग हम दो प्रकार से करेंगे, पहला 1 2 3 4 5 6 7 और सेकंड नंबरिंग इस प्रकार से हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7। अब कौन सा नंबरिंग सही है? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना, प्रिफरेंस देना। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बता? आई नहीं, डबल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का पोजीशन ऊपर से कितना आ रहा, तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के बाद दिख रहा? फोर्थ कार्बन के बाद। इसलिए डबल बॉन्ड का पोजीशन इस नंबरिंग से 4 आएगा और इस नंबरिंग से कौन से कार्बन के बाद आ रहा? थर्ड कार्बन के बाद। इसलिए बेटा इसका पोजीशन 3 रहेगा। दो में से कौन सा पोजीशन सही है? लोएस्ट पोजीशन फंक्शनल ग्रुप का होना चाहिए जो कि 3 है, इसलिए ये वाला नंबरिंग करेक्ट रहेगा, ये नंबरिंग रॉन्ग होगा। अब इस नंबरिंग को यूज करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से है? ये पहला सब्स्टिट्यूएंट है, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है, ये तीसरा रहेगा। 3 सब्स्टिट्यूएंट्स यहां आपको दिख रहे हैं। इसके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है? आयोडो। एक सिंगल लाइन अगर आपको सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में दिखती है तो उसके लिए मिथाइल, ये भी मिथाइल रहेगा। आयोडो और मिथाइल पहले किसको लिखना? अल्फाबेटिकली आयोडो। आयोडो का पोजिशन क्या रहेगा? यूज दिस नंबरिंग 2 आयोडो। तो आयोडो कहीं दिख रहा क्या? देखिए जरा, यस ये फाइन। उसके बाद मिथाइल का पोजीशन कौन सा है? 4.5, दो बार है, दो बार मिथाइल ग्रुप, इसलिए डाय रहेगा। CH3 का नाम मिथाइल होता है, जरा ध्यान देना। जब बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में ऐसी सिंगल लाइन सब्स्टिट्यूएंट रहती है तो मिथाइल रहता है, दो लाइन सब्स्टिट्यूएंट रहेगी तो इथाइल रहता है, तीन लाइन्स रहती है तो प्रोपाइल कहलाएगा, जरा अच्छे से याद रखोगे ठीक है। टोटल कार्बन 7 है इसलिए रूट वर्ड कौन सा रहेगा? हेप्ट रहेगा। डबल बॉन्ड का पोजीशन सही वाला 3 है, डबल बॉन्ड के लिए ENA। एस ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन बी इज द आंसर। 18, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड? हम फिर से यहाँ स्ट्रक्चर लिखेंगे, 1 2 इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहेगा, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे BR जुड़ा है। फिर IUPAC के रूल्स आपको यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो लॉन्गेस्ट मतलब कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा चाहिए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 मतलब यहां ज्यादा से ज्यादा 6 कार्बन एटम्स आएंगे पेरेंट चेन में। उसके बाद नंबरिंग करना दो प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 अपर नंबरिंग एंड दिस इज लोअर नंबरिंग, दो में से कौन सा सही? तो पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रिफरेंस देना। फंक्शनल ग्रुप यहाँ कौन सा है? BR, नहीं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का पोजीशन ऊपर से कौन सा आ रहा? 3। नीचे से जाएंगे पोजीशन रहेगा 3। अब कैसे भी जाएंगे तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 3 ही आ रहा, इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशंस को यूज करेंगे।
अब सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन कौन कौन सा है, तो यहाँ दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक है बी आर और दूसरा है सी एच थ्री। सिंगल लाइन अगर दिखाई देती है तो उसमें उसे मिथाइल ग्रुप कंसिडर करना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। तो देखिए अब यहाँ दो सब्स्टिट्यूएंट्स हुए, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स है उन सभी के पोजिशंस का सम लेना जरूरी है, रूल कहता है आईपीएससी का। अपर नंबरिंग यूज करो, इसका पोजिशन थ्री रहेगा, इसका पोजिशन फोर, 3 + 4 = 7, नीचे से जाएंगे तो भी 3 + 4 कितना रहेगा 7। अब दोनों नंबरिंग के द्वारा सम सेम आ रहा इसलिए दोनों नंबरिंग करेक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन वैसे नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट है। फिर बेटा कौन सा नंबरिंग सही रहेगा, हाउ टू डिसाइड? तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली पहले आने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स को देखना, इसका नाम, इसके लिए प्रीफिक्स कौन सा, ब्रोमो, इसके लिए मिथाइल, ब्रोमो का पहला लेटर बी, मिथाइल का पहला लेटर एम, अल्फाबेटिकली विच कम्स फर्स्ट, बी, इसलिए ब्रोमो को प्रिफरेंस देना और ब्रोमो का पोजीशन लोएस्ट होना चाहिए। अब चार और तीन में से लोएस्ट कौन सा रहेगा, 3, इसलिए ये नंबरिंग करेक्ट रहेगा, ये रॉन्ग हो गया। अब नाम लिखना है, पहले बी आर का पोजिशन 3 ब्रोमो, कहाँ है 3 ब्रोमो, देखिए 3 ब्रोमो मतलब ये दो सही होंगे, दो में से एक रहेगा। उसके बाद 4 मिथाइल, 4 मिथाइल कहाँ है, 4 इथाइल है, मतलब ये तो नहीं रहेगा, 4 मिथाइल। उसके बाद बेटा कार्बन 6 है, हेक्स रहेगा रूट वर्ड, और डबल बॉन्ड का पोजिशन 3 रहेगा, डबल बॉन्ड का सफिक्स ENE, इसलिए आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, What is the product form when propene is treated with HBr? तो अब यहां रिएक्शन लिखना है प्रोपीन का, किसके साथ, HBr। आपको प्रोपीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बता सकते हो, ट्राई टू रिकॉल, CH3CH double bond CH2, प्रोपीन इसके साथ ट्रीट करेंगे HBr के साथ, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो अब यहां दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन दो में से हमें मेजर प्रोडक्ट ही लिखना है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, हाउ टू डिसाइड। तो ये जो प्रोपीन है दैट इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन, और अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हम कौन सा रूल यूज करते हैं, मार्कोनिकोप्स रूल। ये रूल क्या कहता है, इसका नेगेटिव पार्ट बी आर दो में से ऐसे कार्बन पे जाएगा जहां कम से कम हाइड्रोजन जुड़े हो, इसलिए बी आर गोज टू दिस कार्बन, सो दैट वी विल गेट प्रोडक्ट CH3CH, यहां Br जोड़ना, डबल का सिंगल बॉन्ड, यहां CH3। अब इसका आईपीसी नेम कैसे लिखना, 1, 2, 3, सेकंड कार्बन को Br जोड़ा इसलिए 2 ब्रोमो कहना, 3 कार्बन अल्केन रहेगा, प्रोपेन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन 2-methyl-but-2-ene इज ट्रीटेड विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, मेजर प्रोडक्ट इज, फिर से आपको यहाँ रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, 2-methyl-but-2-ene का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार से रहेगा CH3CCH3, 2-methyl, देन but-2-ene, ये स्ट्रक्चर है बेटा 2-methyl-but-2-ene का, ठीक है, किसके साथ ट्रीट किया, HBr के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बेंजोइल पेरोक्साइड हम यहाँ यूज करेंगे। अब एक्सैक्टली रिएक्शन कैसे होगा, तो ये जो अल्कीन आपको दिख रहा दैट इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन, क्यों अनसिमेट्रिकल कहना, क्योंकि इस कार्बन को 2 मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हैं, इस कार्बन को 1 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन को डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स जुड़े होने के कारण इसे कहना अनसिमेट्रिकल अल्किन। अनसिमेट्रिकल अल्किन में हम कौन सा रूल यूज करते हैं, मार्कोनिकोप्स रूल, लेकिन यहां कंडीशन दी है पेरोक्साइड, पेरोक्साइड के कारण रिएक्शन कैसे होगा, अपोजिट टू मार्कोनिकोप्स रूल, अपोजिट टू मार्कोनिकोप्स रूल मतलब क्या होगा, इसका निगेटिव पार्ट,
दो में से ऐसे कार्बन पे जाएगा जहां ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन जुड़े हो। इसलिए बेटा ज्यादा हाइड्रोजन इस कार्बन पे है, इसलिए बी आर यहाँ चला जाएगा। सो दैट वी विल गेट द प्रोडक्ट CH3 CCH3 सिंगल बॉन्ड। यहाँ कौन जुड़ेगा बेटा? एच, ठीक है। देन यहाँ रहेगा CH, यहाँ Br और यहाँ रहेगा CH3। अब इसका नाम लिखना है IUPAC, तो नंबरिंग हम राइट टू लेफ्ट करेंगे 1 2 3 4। सेकंड को Br जुड़ा है इसलिए 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो कहाँ दिख रहा? देखिए 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 3 ऑप्शंस में है। देन थर्ड को मिथाइल ग्रुप जुड़ा है इसलिए 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 4 कार्बन यानी अल्केन ब्यूटेन रहेगा। आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये रिएक्शन किस लिए यूज की जाती है। बेटा अच्छे से याद रखना, फिंकलस्टीन रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर ओनली अल्काइल आयोडाइड्स। फिर 4 में से ऐसा ऑप्शन देखना जहां अल्काइल आयोडाइड बन रहा है। यहाँ साइनाइड बना, हाइड्रोक्साइड बना या अल्कोहल हम कहेंगे बेटर वे, यहाँ फ्लोराइड बना, यहाँ आयोडाइड बना, इसलिए आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन स्वार्ट्ज रिएक्शन। 4 ऑप्शंस दिए हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन है क्या? कौन से कंपाउंड्स बनाने के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज किया जाता? अच्छे से याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज बोथ। स्वार्ट्ज रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर ओनली अल्काइल फ्लोराइड्स। अब अल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो 4 में से ऐसा ऑप्शन देखना जहां फ्लोरीन प्रेजेंट है। कहां फ्लोरीन है? सिल्वर फ्लोराइड AgF, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन बी। 23rd क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए इन फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन इस प्रकार से आपको दिख रहा है, आपको प्रोडक्ट ए का स्ट्रक्चर पहचानना है। कैसे पहचानोगे? रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, एग्जैक्टली मैकेनिज्म यू शुड नो। प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, इसको पढ़ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे होगा? अपोजिट टू मार्कोनिकॉक्स रूल, याला एंटी मार्कोनिकॉक्स रूल वाई साइड। सो अपोजिट मतलब इसका नेगेटिव पार्ट। 2 में से ऐसे कार्बन पे जाएगा जहां ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन जुड़े हो। अब ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ जुड़े हैं यह हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ हम कार्बन लिखते हैं, यहाँ भी कार्बन रहेगा। यहाँ कार्बन ने 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 ऑलरेडी वैलेंस सेटिस्फाइड। यहाँ कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया है इसलिए चौथी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करेगा? हाइड्रोजन। तो ज्यादा हाइड्रोजन कहां दिख रहे हैं? इस कार्बन पे, इसलिए बी आर गोज टू दिस कार्बन। सो दैट वी विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। यहां पे रहेगा CH3 और यहां जुड़ेगा बी आर। अब ऐसा स्ट्रक्चर कहीं दिख रहा है क्या? देखिए ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई कंपाउंड विच रिएक्ट्स विथ HBr टू फॉर्म 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 4 में से ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है जो HBr के साथ ये कंपाउंड बनाएगा। अब इसका आंसर कैसे लिखना? तो देखो यहाँ पे हम HBr के साथ किसको ट्रीट करेंगे, सो दैट वी विल गेट 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। पहले साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाना, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल मतलब पहले कार्बन को ही 2 ग्रुप जुड़े रहेंगे। अब देखिए HBr एड होने के बाद यहाँ सिंगल बॉन्ड बना है, मतलब यहाँ जो कंपाउंड रहेगा उसमें डबल बॉन्ड होना जरूरी है। डबल बॉन्ड कहाँ हो सकता है? तो देखो जरा, डबल बॉन्ड जो रहेगा या डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड कौन सा है? यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। यहाँ 1 डबल बॉन्ड है, यहाँ 3 डबल बॉन्ड है, ये बेंजीन रिंग है। जहां HBr एड नहीं होगा इसलिए ऑप्शन ये भी नहीं रहेगा। तो आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी, जहां इस प्रकार से ये CH3 रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ये पोजीशन हम चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ CH3 दिया है, तो हम एक काम करेंगे यहाँ CH3 जोड़ेंगे और यहाँ Br जोड़ेंगे। कैसे भी कीजिए आपको आंसर सही मिलने वाला है, आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट फास्टली विद HBr।
चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, थोड़ा सा कठिन है ये, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इन कंपाउंड्स के रिएक्टिविटी ऑर्डर पता होना चाहिए विथ HBr। तो बेटा हम आपको बता रहे हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर, जो आप अच्छे से याद कर लोगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स विथ HBr। Which one is most reactive? Tertiary, then secondary, then primary। अब हमें पहचानना पड़ेगा यहाँ टर्शरी अल्कोहल कोई है क्या। ये OH इस कार्बन को जुड़ा है, दिस कार्बन इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन, इसलिए इसका टाइप प्राइमरी, मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ। यहाँ OH इस कार्बन को जुड़ा है जो दूसरे दो कार्बन को जुड़ा है, इसलिए इसका टाइप सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। यहाँ ये OH ग्रुप इस कार्बन को जुड़ा है जो दूसरे दो कार्बन को जुड़ा, इसलिए ये भी सेकेंडरी रहेगा। एंड OH यहाँ इस कार्बन को जुड़ा है जो तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका टाइप टर्शियरी रहेगा। मींस ऑप्शन डी इज टर्शियरी अल्कोहल और आंसर भी वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स ऐड टू प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड टू गिव प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोप्स रूल। अब यहाँ आपको एंटी मार्कोनिकोप्स रूल कौन से कंडीशन में होता ये पता होना चाहिए। रिमेम्बर वेरिएबल एंटी मार्कोनिकोप्स एडिशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। फिर पेरोक्साइड इफेक्ट कौन दिखाता है ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो रिमेम्बर वेरिएबल पेरोक्साइड इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकोप्स एडिशन और मायोकराज इफेक्ट इज शोन ओनली बाय HBr, इसलिए आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन आपको यहां दिख रहा, सबसे पहले हम रिएक्शन को लिखेंगे RCH2OH treated with HCl in presence of anhydrous ZnCl2। Now what is the role of anhydrous ZnCl2? It acts as a catalyst। कैटलिस्ट क्या करता, रिएक्शन का रेट बढ़ाता। इट कंप्लीट्स द रिएक्शन विद इन शॉर्ट टाइम। अब इसका मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए क्या होगा एग्जैक्टली इस रिएक्शन में। तो अच्छे से याद रखोगे, इन दिस रिएक्शन OH निकल जाएगा, यहां से Cl ऐड होगा, सो दैट वी विल गेट द प्रोडक्ट RCH2Cl। OH H के साथ जुड़ेगा, वाटर बनेगा, ये हमारा प्रोडक्ट है जिसका क्लास कौन सा रहेगा। तो इसे हम पढ़ते हैं अल्काइल क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? अल्काइल क्लोराइड। यहां ऑप्शन कहां है? डी, अल्काइल हैलाइड आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड वे प्रोपीन इज हीटेड विथ क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर। अब सबसे पहले प्रोटीन का फॉर्मूला लिखना, क्या रहेगा फॉर्मूला? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 किसके साथ? क्लोरीन के साथ। हमें हीट करना है टू हाई टेम्परेचर। अब यहां कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होता, देखिए यहां आपको डबल बॉन्ड दिख रहा, डबल बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन एडिशन है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते हैं, ये क्लोरीन इन दो कार्बन पे ऐड होंगे और प्रोडक्ट हमें मिलेगा 1,2-dichloropropane। काफी बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो ऑप्शन ए को आंसर मार्क करेंगे, लेकिन यहां आंसर अनएक्सपेक्टेड आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां हम हीट कर रहे हैं टू हाई टेम्परेचर। अब टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण बेटा यहाँ एग्जैक्टली रिएक्शन का मैकेनिज्म बदल जाता है। रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हम कैरी आउट करेंगे तो एडिशन टेक्स प्लेस, बट इफ वी यूज हाई टेम्परेचर देन सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस। सब्स्टिट्यूशन कौन से कार्बन पे होगा? एट दिस कार्बन, जिसको हम एलिलिक कार्बन कहते हैं। अच्छे से याद रखना, एलिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर।
तो अब यहां पे हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसके बदले में सीएल ऐड होगा, सो दैट विल गेट द प्रोडक्ट सीएल सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस बाय प्रोडक्ट एस सी एल रहेगा। अब इसका नाम लिखना पड़ेगा, नाम लिखते समय वही आईपीएससी के रूल्स फॉलो करना, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है इसे राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करना, थर्ड कार्बन को क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, सीएल के लिए क्लोरो यूज करना, मतलब थ्री क्लोरो कहां आपको दिख रहा देखिए, और तीन कार्बन है इसलिए प्रोपीन रहेगा। आंसर इज ऑप्शन डी। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार इसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक जेडब्ल्यू नीट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड हैज ग्रेटेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट का मतलब आपको पता होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिसपे पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब ये मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड रहता? इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। अब हम यहां कैसे डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहला ऑप्शन मिथाइल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है CH3Cl। इथाइल क्लोराइड फॉर्मूला है C2H5Cl। एन प्रोपाइल क्लोराइड फॉर्मूला CH3CH2CH2Cl कार्बन चेन स्ट्रेट, एंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है CH3CH3, यहां Cl ब्रांच्ड अल्काइल हैलाइड है। अब देखो बेटा, इसमें एक कार्बन है, यहां दो कार्बन है, यहां तीन कार्बन है, और यहां पे भी कार्बन की संख्या से जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, अच्छे से याद रखो। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों में से एक का होना चाहिए, क्योंकि यहां कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन इन दोनों में से किसका ज्यादा रहेगा वो भी हमें पता करना है, हाउ टू डिसाइड। तो यहां कार्बन चेन स्ट्रेट है, दिस कार्बन चेन इज स्ट्रेट, एंड हियर कार्बन चेन इज ब्रांच। जहां कार्बन चेन स्ट्रेट रहती है वहां मॉलिक्यूल्स का पैकिंग क्लोज रहता है, पैकिंग क्लोज होने के कारण अट्रैक्शन वहां स्ट्रॉन्ग रहता है, जिससे ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती, जिसके कारण इस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा। चांगल्या प्रकारे लक्षात ठेवा, कार्बन ची संख्या वाढली म्हणजे मेल्टिंग पॉइंट वाढला, कार्बन चेन स्ट्रेट है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, कार्बन चेन ब्रांच्ड है मेल्टिंग पॉइंट कम। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इज। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो अब हमें यहां पता करना पड़ेगा सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स या स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स कहां रहेगा। अब इन ऑप्शंस को देखोगे आप तो पता चलेगा सब में आर सेम है, अल्काइल ग्रुप इज सेम, ओनली हैलोजन इज चेंज्ड। तो ऐसे केस में कैसे डिसाइड करेंगे कहां अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा? तो बेटा देखो, हैलोजन चार प्रकार के आपको पता ही होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये सभी ग्रुप नंबर 17 को बिलोंग करते हैं। अब ये सब एक ग्रुप में रखे हैं। क्या आप बता पाओगे, जैसे हम ग्रुप में पढ़ेंगे ऊपर से नीचे जाएंगे एटॉमिक रेडियस कम होगा या बढ़ेगा? रिमेम्बर वेल, आपको पता होना चाहिए, कॉमन ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड है, इन ग्रुप ऑलवेज एटॉमिक साइज और रेडियस इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका रहेगा? आयोडीन का, सबसे छोटा फ्लोरीन का। फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा होने के कारण आरएफ का मॉलिक्यूलर साइज सबसे छोटा रहेगा, आयोडीन का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होने के कारण आरआई का मॉलिक्यूलर साइज लार्जेस्ट रहेगा। अब साइज और अट्रैक्टिव फोर्स क्या रिलेशन रहेगा? तो रिमेंबर वेल, इन अल्काइल हैलाइड्स में कौन से अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं?
वेंडर वॉस फोर्सेस, कौन से फोर्सेस रहेंगे, वेंडर वॉस फोर्सेस। दिस वेंडर वॉस फोर्सेस डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर साइज, डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर साइज, मतलब जितना बड़ा मॉलिक्यूलर साइज रहेगा उतना वैन डेर वाल्स फोर्सेस का स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहेगा। इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस या वैन डेर वाल्स फोर्सेस चार में से कहां पे रहेगा, आर आई अल्काइल आयोडाइड ड्यू टू इट्स लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर साइज, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा। तो सबसे ज्यादा बी सी डी में दिख रहा, उसके बाद आर बी आर का रहेगा, उसके बाद आर सी एल एंड सबसे कम आर एफ। आंसर इज ऑप्शन डी। 31st क्वेश्चन, व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सी एक्स बॉन्ड इन सी एच थ्री एक्स। आपल्याला इथे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिसाइड करायची आहे सी एक्स बॉन्ड ची इन मिथाइल हॅलाइड। कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक, हाउ टू डिसाइड, सिंपल लॉजिक बताता हूं। इन ऑप्शंस को देखोगे तो यहां CH3 बिल्कुल सेम है, ओनली हैलोजन एटम चेंज्ड हियर। सभी हैलोजन ग्रुप नंबर 17 को बिलोंग करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। आपको ये भी हमने बताया कि इन ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, जिसके कारण फ्लोरीन का एटॉमिक साइज स्मॉलेस्ट, आयोडीन का लार्जेस्ट। फ्लोरीन का एटॉमिक साइज कम होने के कारण आर एफ बॉन्ड का लेंथ कम रहेगा, आयोडीन का एटॉमिक साइज लार्ज होने के कारण इस बॉन्ड की लंबाई सबसे ज्यादा रहेगी। अब आपको याद रखना है बॉन्ड का लेंथ जितना कम उतना स्ट्रेंथ ज्यादा। ऑलवेज रिमेंबर वेल बेसिक पॉइंट है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका है, आर एफ का, इसलिए इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। अब सी एस थ्री एफ सबसे ज्यादा कहां है, एक दो बी और सी में। आर आई का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम, कहां है, आर आई आखिरी में, दोनों में है। तो अभी हमें दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा। एफ के बाद सी एल आता, मतलब आर सी एल का बॉन्ड स्ट्रेंथ सी एस थ्री एफ से कम रहेगा, उसके बाद सी एस थ्री बी आर, उसके बाद सी एस थ्री आई। आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, विच अमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। फिर से हमें बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट पता करना है। अब ऑप्शंस को पढ़ना, टी ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेम ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। तो क्या इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज कर पाएंगे क्या? तो देखो यहाँ सभी में ब्यूटाइल ब्यूटाइल सेम अल्काइल ग्रुप यूज किया, मतलब कार्बन की संख्या बिल्कुल चार है, सेम है सभी में। हैलोजन ऑल्सो सेम इन ऑल ऑप्शंस। तो अब हमें इस इन प्रेफिक्सेस को यूज करना है, टी एन आइसो सेम। सबसे पहले हम एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर लिखेंगे, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एन। एन मतलब नॉर्मल होता है, जहां कार्बन चेन स्ट्रेट रहती है, ठीक है। उसके बाद आइसो का हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी एन, यहाँ कार्बन चेन ब्रांच है। नेक्स्ट सेट ब्यूटाइल क्लोराइड का हम इस प्रकार से स्ट्रक्चर लिखेंगे, यहाँ भी स्ट्रक्चर ब्रांच रहेगा। एंड टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा, ये भी स्ट्रक्चर ब्रांच रहेगा। अब एक पॉइंट हमने ऑलरेडी बताया है, जहां कार्बन चेन स्ट्रेट रहता वहां बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। अब स्ट्रेट कहां है, ओनली इन वन केस, दैट इज एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एंड देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन बी। अच्छे से याद रखना, एक और पॉइंट मैं यहां आपको बता देता हूं, चार में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, आंसर ऑर्डर ऊपर लिखता हूं, सबसे ज्यादा एन का रहेगा, उसके बाद आइसो रहेगा, देन सेक एंड देन टर्ट। ऐसा क्यों, ये दोनों प्राइमरी है, बट दिस इज स्ट्रेट दिस इज ब्रांच,
स्टेट का ज्यादा, ब्रांच का कम। ये प्राइमरी है सेकेंडरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी में प्राइमरी का ज्यादा सेकेंडरी का कम रहता, इसलिए प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी, टर्शियरी का सबसे कम रहता ड्यू टू हाईएस्ट ब्रांचिंग। क्वेश्चन नंबर 33 हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब चार में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसके लिए हम इनके स्ट्रक्चर्स लिखेंगे। वन ब्रोमो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर CH3CH2CH2CH2Br। ब्यूट मीन्स फोर कार्बन होता है, यानी सिंगल बॉन्ड रहेंगे और पहले कार्बन को ब्रोमो मतलब Br जोड़ना पड़ेगा। बी ऑप्शन वन ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन CH2 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और यहाँ पे एच जोड़ना पड़ेगा बैलेंसिंग चार्ज सेटिस्फाई करने के लिए। टू ब्रोमो ब्यूटेन CH3 सेकंड कार्बन को Br जोड़ना पड़ेगा CH2CH3। एंड लास्टली टू ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन का फॉर्मूला CH3CBr, प्रोपेन मतलब तीन कार्बन और दूसरे कार्बन को CH3 जोड़ना पड़ेगा। अब इनमें कार्बन की संख्या सेम है, फोर, इसलिए हमें अब यहां कौन सा एस्पेक्ट यूज करना है। अब हमने इसके पहले भी आपको बताया है जहां कार्बन चेन स्ट्रेट वहां वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग। कहां स्ट्रेट है देखो, इस कंपाउंड में कार्बन चेन पूरी तरह से सीधी है, जिसके कारण यहां अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा वैन डेर वाल, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट कायरल। अब हमें यहां चार में से ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जो कायरल नहीं है। सबसे पहले कायरल कार्बन का मतलब क्या होगा, एग्जांपल हम लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल रहेगा, यहाँ पे सेंटर में आपको कार्बन दिख रहा है, इट इज अटैच्ड टू हाउ मेनी एटम्स और ग्रुप्स, फोर। चारों एटम्स या ग्रुप्स सेम और डिफरेंट, डिफरेंट, इसलिए ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहना, विच इज डिनोटेड बाय स्टार और एस्टेरिस्क। याद रखना कायरल कार्बन वही रहेगा जो कितने एटम्स या ग्रुप के साथ जुड़ेगा, चार, लेकिन चारों डिफरेंट होना जरूरी है। अब हम ए का स्ट्रक्चर लिखते हैं, वन क्लोरो टू मिथाइल पेंटेन, पांच कार्बन आपको लिखने पड़ेंगे, वन क्लोरो टू मिथाइल, यहाँ एच रहेगा, यहाँ पे एच रहेगा, हियर ऑल्सो एच, देन यहाँ पे भी एच एच, इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा और यहाँ H H H वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब यहां देखो बेटा, ऐसा कौन सा कार्बन है जिसको चार डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स जुड़े हैं, तो हमें दिख रहा ये वाला कार्बन देख के, इसको पहला ग्रुप ये जुड़ा है, दूसरा ग्रुप ये वाला है, थर्ड इज हाइड्रोजन एंड फोर्थ इज दिस ग्रुप, चारों ग्रुप्स डिफरेंट है इसलिए ऑप्शन ए कार्बन रहेगा। बी टू क्लोरो पेंटेन CH3CH2CH2CHCl CH3। अब यहां पे कायरल कार्बन कौन सा है, क्लियरली दिख ही रहा ये वाला कायरल कार्बन रहेगा, क्यों, क्योंकि यहां चार डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, देयरफॉर कायरल। ऑप्शन सी वन क्लोरो पेंटेन CH3CH2CH2CH2CH2Cl, ये स्ट्रक्चर्स आपको लिखते आने चाहिए। अब यहाँ ये कार्बन तीन आइडेंटिकल हाइड्रोजन से जुड़ा, कायरल नहीं है, दो आइडेंटिकल हाइड्रोजन, कायरल नहीं, यहाँ पे भी दो, कायरल नहीं, ये भी नहीं रहेगा और ये भी नहीं रहेगा, मतलब हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 प्लस टू मिथाइल वन ब्यूटेनॉल एंड माइनस टू मिथाइल वन ब्यूटेनॉल हैव डिफरेंट वैल्यू फॉर विच प्रॉपर्टी।
चार प्रॉपर्टीज आपको यहां दी है, चार में से इन दो कंपाउंड्स के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का वैल्यू डिफरेंट रहेगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तब सिंपल लॉजिक यूज करना है। यहां प्लस दिख रहा है, यहां माइनस दिख रहा, व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ प्लस एंड माइनस साइन, तो अच्छे से याद रखोगे। प्लस का मतलब होता है सब्सटेंस डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इट मीन्स इट रोटेट्स प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टू राइट, यानी इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन रहेगा राइट हैंड साइड में दिखाई देगा। माइनस का मतलब होगा लियोरोटेटरी, लियोरोटेटरी मतलब ये प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में घुमाएगा। तो अब ये प्लस और माइनस इन दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन सेम है या अपोजिट है, अपोजिट, इसलिए आंसर हमारा रहेगा ऑप्टिकल रोटेशन, जिसको ही स्पेसिफिक रोटेशन कहा जाता। क्वेश्चन नंबर 36, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज यूज फॉर मेकिंग निकोल्स प्रिज्म। निकोल्स प्रिज्म बनाने के लिए चार में से किसका यूज किया जाता है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देखिए निकोल प्रिज्म एक्सैक्टली क्या है इसके बारे में हम बताते हैं। मान लो ये ऑर्डिनरी लाइट है विच वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स, ऐसे कई सारी प्लेन्स रखेंगे ऑर्डिनरी लाइट में, इसको जब हम निकोल प्रिज्म थ्रू पास करेंगे तो ये सभी जो प्लेन्स है एक दूसरे में मर्ज होगी एंड जो भी रिजल्टेंट लाइट रहेगा उसमें वेव्स विल वाइब्रेट ओनली इन वन प्लेन, दिस लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम निकोल प्रिज्म का यूज करते हैं। इस निकोल प्रिज्म को किससे बनाया जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका एक और नाम दिया है कैल्साइट। देयरफॉर आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 37, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब हमें चार में से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को पहचानना है, सिंपल लॉजिक है इसमें। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पहचानते समय आपको याद रखना है उस कंपाउंड में कायरल कार्बन होना ही चाहिए। अब कायरल कार्बन कहाँ है कहाँ नहीं है उसके लिए हमें इनके स्ट्रक्चर्स लिखने पड़ेंगे। सबसे पहला 2-chloro-2-methyl-butane, इसका स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4 2-chloro-2-methyl-butane ना बैलेंसी सेटिस्फाई करना आपको आना चाहिए, कार्बन की बैलेंसी 4 रहती है। अब इसमें कोई कायरल कार्बन है क्या, देखो जरा, ये कायरल नहीं हो सकता है, ये वाला हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ दो आइडेंटिकल मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हैं, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब ए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा। 2-chloro-propane का स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, प्रोप मतलब 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा, सेकंड को सीएल जोड़ देगा, वैलेंस इज सैटिस्फाई, यहाँ एच यहाँ CH3, कायरल नहीं रहेगा, ये भी कायरल नहीं है क्योंकि यहाँ दो आइडेंटिकल मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हैं, बी भी नहीं। 3-chloro-pentane का स्ट्रक्चर हम लिखेंगे CH3CH2CHCl CH2CH3, अब ये कार्बन के बारे में सोचना कायरल है क्या, तो ये CH3CH2CH2CH3 दोनों ग्रुप्स सेम है इसलिए ये भी कायरल नहीं रहेगा, मींस कायरल कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन कहा 2-chloro-pentane, देयरफॉर दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। नंबर 38, द नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 2,3-dichloro-4-methylpentane इज, यहां पे असिमेट्रिक कार्बन की संख्या फाइंड आउट करनी है। असिमेट्रिक का मतलब ही होता है कायरल कार्बन, कायरल कार्बन उसे ही कहा जाता विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम यहाँ इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखते हैं, रूट वर्ड यहाँ पेंट है, मींस हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 5, नंबरिंग हम राइट टू लेफ्ट करेंगे किसी भी प्रकार से आप कर सकते हो, देन 2,3-dichloro मतलब यहाँ सीएल जोड़ना, यहाँ सीएल जोड़ना, देन 4-methyl यानी यहाँ पे CH3 जोड़ना पड़ेगा,
एन ई में सभी सिंगल बॉन्ड्स रहेंगे, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए तीन ऐड करना, 1 2 3, यहाँ 4 रहेगा, यहाँ पे भी एक एच रहेगा, यहाँ पे भी एच जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे CH3 जोड़ेंगे। अब पहला कार्बन देखना, इसको तीन सेम हाइड्रोजन जुड़े हैं इसलिए कायरल नहीं रहेगा। इसको देखना, दो सेम CH3 जुड़े हैं इसलिए ये भी कायरल नहीं रहेगा। क्या ये कायरल हो सकता है? क्या एक हाइड्रोजन जुड़ा, सेकंड Cl जुड़ा, देन थर्ड इतना बड़ा ग्रुप है और फोर्थ ये वाला ग्रुप है, क्या चारों में से कोई भी दो ग्रुप आइडेंटिकल है? क्या नहीं, इसलिए ये कायरल कार्बन रहेगा। देन सेकंड कार्बन देखिए जरा, इसको चार एटम या ग्रुप कौन से जुड़े हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये रहेगा फोर्थ वन, चारों डिफरेंट, इसलिए ये भी कायरल कार्बन रहेगा। मीन यहां पे देखिए कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ओनली टू, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, विच फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सिमिलर फॉर इनेशियोमर्स। फोर ऑप्शंस आर गिवन हियर, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। सबसे पहले इनेशियोमर्स का मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं, सी हियर CH3 जो हमारे सिलेबस में दिया है, यहाँ पे रहेगा एच, हियर इज C2H5 एंड हियर इज, यहाँ पे हम Cl लेते हैं और यहाँ पे हम लेंगे H, इस प्रकार से ये 2-chlorobutane का स्ट्रक्चर है। यहाँ ये कार्बन काइरल कार्बन रहेगा बिकॉज इट इज अटैच टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। यहाँ हम एक मिरर रखेंगे, मिरर रखने के बाद यहाँ हमें मिरर इमेज मिलेगा जो इस प्रकार से रहेगा CH3, यहाँ पे Cl रहेगा, देन यहाँ पे इस प्रकार से फॉर्म होगा C2H5, इसको सॉलिड वेज कहते हैं और यहाँ पे डैश्ड वेज रहेगा। ये सेकंड स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम कहेंगे मिरर इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट और कंपाउंड। अब इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर इमेज पे अगर हम रखेंगे तो इस एच को कौन ओवरलैप करेगा? Cl। अब एच और Cl क्या आइडेंटिकल होते हैं? क्या सेम होते हैं? क्या नहीं, जिसके कारण ये दोनों जो मिरर इमेजेस है वो सुपर इम्पोजिबल नहीं रहेगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल रहेगी। अब सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या होता है? तो देखिए इस प्रकार से अगर यहाँ पे ये पांच उंगलियां इन पांच उंगलियों के द्वारा इसे कंप्लीटली ओवरलैप होती है तो कहना सुपर इम्पोजिबल, लेकिन अगर हम इन उंगलियों को इस प्रकार से अरेंज करेंगे तो ये कंप्लीटली ओवरलैप हो रही क्या पूरी उंगलियां? नहीं, इसलिए इसे कहना नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये जो मिरर इमेजेस है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, एंड दीज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर नोन एज इनेंशियोमर्स। अब इनेंशियोमर्स में एग्जैक्टली क्या डिफरेंट रहता है तो अच्छे से याद रखो बेटा, इनेंशियोमर्स में ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता एक्सेप्ट साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन डी। अब यहाँ ये पहला जो ऑब्जेक्ट है वो राइट में घुमाएगा इसलिए इसका साइन प्लस रहेगा, या हम इसे डी भी कह सकते हैं, और ये लेफ्ट में रोटेट करेगा प्लेन ऑफ क्लीन पोलराइज्ड लाइट को इसलिए माइनस या एल हम इसे कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ ऑप्टिकल रोटेशन का साइन प्लस है, यहाँ माइनस है, अपोजिट हुआ इसलिए आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 40, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू अबाउट इनेंशियोमर्स। ऑप्शन ए, दे हैव डिफरेंट डेंसिटीज। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि इनेंशियोमर्स की सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी है, यहां डिफरेंट दिया है, मतलब ऑप्शन ए रॉन्ग। ऑप्शन बी, दे आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ये भी हमने पढ़ाया है कि इनेंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, देयरफॉर ऑप्शन बी इज ऑल्सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सी,
They have opposite and equal optical rotation. अब enantiomers यानी किसको हम कहेंगे, तो डी एंड एल आइसोमर्स को enantiomers कहना। डी का मतलब ये मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में घुमाएगा, एल मतलब प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में घुमाएगा, डी के लिए ही प्लस साइन यूज किया जाता है, एल के लिए माइनस। मतलब दोनों के जो साइन है ऑप्टिकल रोटेशंस के सेम है या अपोजिट है, अपोजिट, इसलिए आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रिगनार्ड रिएक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन। अब ग्रिगनार्ड रिएक्शन कैसे बनता है, अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट किया जाता इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बनेगा RMGX, इसका नाम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और ग्रिगनार्ड रिएक्शन, देयरफॉर आपका आंसर RX मीन्स अल्काइल हैलाइड, MG मैग्नीशियम इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस KOH व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ KOH इज इंक्रीज्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां सबसे पहले रिएक्शन को हम लिखेंगे, टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3 थ्राइस CBr एक्वस KOH के साथ हम हीट करेंगे, प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, देखिए यहां से बी आर निकलेगा, ओ एच एड होगा, सो दैट वी विल गेट द प्रोडक्ट CH3 थ्राइस CO H + KBr। अभी कौन से टाइप का रिएक्शन है, तो यहां एक एटम निकल गया बी आर, ओ एच ग्रुप एड हुआ, इसलिए इसे सब्स्टिट्यूशन कहना, सब्स्टिट्यूशन में कौन सा टाइप रहेगा, तो यहां से बी आर निगेटिव निकलेगा, ओ एच निगेटिव एड होगा, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज को क्या कहना, न्यूक्लियोफाइल। हियर वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अदर न्यूक्लियोफाइल, देयरफॉर रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो प्रकार के होते हैं, SN1 एंड SN2, इनमें से ये कौन सा रहेगा, ये जो सब्सट्रेट आपको दिख रहा उसका टाइप पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा। Br इस कार्बन को जुड़ा है, ये कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम इसे टर्शरी कार्बन कहेंगे और अल्काइल हैलाइड को टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। अब टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स प्रिफरेबली कौन सा रिएक्शंस दिखाते हैं, SN1, कौन सा रिएक्शन दिखाएंगे, SN1। फिर SN1 के लिए रेट लॉ क्या रहता है वो आपको पता होना चाहिए, रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3 thrice CBr। अब इस रेट एक्सप्रेशन में कहीं भी न्यूक्लियोफाइल या रिएजेंट का कंसंट्रेशन हमें नहीं दिख रहा, इस रेट लॉ से पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ KOH इज इंक्रीज्ड, यहाँ KOH हमें दिख रहा क्या, नहीं, इसका मतलब रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ KOH, इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, रिमेन्स अनअफेक्टेड, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोर ऑप्शंस आर गिवन हियर, चारों ऑप्शंस को ऑब्जर्व करने के बाद आपको दिख रहा में अल्काइल ग्रुप सेम है, चेंज हुआ है हैलोजन। अब चार हैलोजन्स में से सबसे स्मॉल साइज फ्लोरीन का, सबसे लार्ज साइज आयोडीन का, आयोडीन का एटॉमिक साइज लार्जेस्ट होने के कारण इस बॉन्ड का लेंथ सबसे ज्यादा रहेगा, देयरफॉर बॉन्ड वीकेस्ट रहेगा, इजीली ब्रेक होगा, और इजीली ब्रेक हुआ मतलब रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, इन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल इज।
ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी सूडो, ऑप्शन डी टू। यहां सबसे पहले आपको अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब पता होना चाहिए। टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से लिखेंगे। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में इस सबस्ट्रेट को हम एक्वस क्यूएच के साथ हीट करेंगे। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट हियर, सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, मतलब क्या होगा, यहां से बी आर निकलेगा, कोएच एड होगा, प्रोडक्ट टी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया, बाई प्रोडक्ट इज के बी आर। अब आपको इस रिएक्शन का टाइप डिसाइड करना पड़ेगा। दिस रिएक्शन बिलोंग्स टू एस एन वन, जिसको हम पढ़ते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एस एन वन ही क्यों रहेगा, क्योंकि ये सबस्ट्रेट टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को बिलोंग करता है। अब एस एन वन का रेट लॉ आपको याद करना पड़ेगा, जो अभी हमने पढ़ा था, रेट इक्वल्स के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी एच थ्री थ्राइस सी जी एम। रेट सिर्फ टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड है, यहां कहीं भी हमें के ओ एच नहीं दिख रहा, मतलब रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ के ओ एच। अब हमें क्या पूछा है, टी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल यहां कौन सा रहेगा, ओ एच निगेटिव, जो किससे जनरेट होगा, के ओ एच से। इस रेट लॉ में ओ एच निगेटिव कहीं भी नहीं दिखता, इसलिए इसका पावर हम कितना लेंगे, जीरो। एंड विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल पावर जीरो है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल कितना, जीरो। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन ए। 45 अरिंस ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कैटलिस्ट अंडरगो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले अरिन का एक एग्जांपल हम लेंगे, बेंजीन को CH3 जोड़ेंगे, इसका नाम है टोलुइन। क्लोरीन के साथ ट्रीट करना इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अब प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, तो यहां दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब कौन से दो बनेंगे, देखो जरा हम मैकेनिज्म बता रहे हैं। FeCl3 कैटालिस्ट है, क्लोरीन के साथ जुड़ेगा। अब Fe3Cl के साथ तीन बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तीन बॉन्ड में छह इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन को आठ इलेक्ट्रॉन बनाना है। Therefore, FeCl3 इस Cl negative को अपने साथ लेके जाएगा, बनाएगा FeCl4 negative plus इलेक्ट्रॉन पर क्लोरीन के साथ चले जाने के कारण इलेक्ट्रोफाइल यहां जनरेट होगा Cl positive, और ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। वाई, बिकॉज CH3 इज ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप। इसका मतलब वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां ओरिएंट करवाएगा, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, जिसके कारण हमें ऐसे दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, पैरा क्लोरोटोलुइन। अब इस रिएक्शन का टाइप कौन सा रहेगा, जैसे ही Cl पॉजिटिव यहां अटैक करेगा, यहां से H निकल जाएगा, HCl के साथ जुड़ेगा, बाई प्रोडक्ट HCl बनेगा। अब Cl एड हुआ, H निकल गया, मतलब सब्स्टिट्यूशन होगा, और Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, सेकंड इलेक्ट्रोफाइल निकल गया, देयरफॉर दिस इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इतना ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। यहां बेंजीन यूज किया है, बेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन ए। नंबर 46, An alkyl halide having formula C4H9Br on reaction with sodium metal in presence of dry ether gives 2,5-dimethylhexane. The alkyl halide is. अब आपको शायद याद आ ही गया होगा कि ये कौन सा रिएक्शन है। अब सोडियम मेटल के साथ हम एक ही रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन। अब वर्ड्स रिएक्शन एक्जेक्टली है क्या, तो देखो यहां सबसे पहले प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लिखेंगे, हेक्स मींस कितने कार्बन रहेंगे, छह कार्बन रहेंगे।
देन नंबरिंग हम करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेकंड और फिफ्थ कार्बन को डाइमिथाइल मतलब यहां दो मिथाइल ग्रुप्स हम इस प्रकार से जोड़ेंगे और बाकी वैलेंस से सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ CH3 रहेगा, यहाँ H रहेगा, यहाँ H2, यहाँ पे भी H2, यहाँ H, यहाँ H3, ताकि कार्बन की वैलेंस से सेटिस्फाई होगी। अब ये प्रोडक्ट किसके साथ बनाएगा? सोडियम के साथ। कौन बनाएगा? अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ अल्काइल हैलाइड कौन सा, ये कैसे पहचाना? तो मैकेनिज्म आप याद रखोगे वुड्स रिएक्शन का। वुड्स रिएक्शन में प्रोडक्ट बनते समय दो अल्काइल ग्रुप एक दूसरे के साथ जुड़ जाते है। तो यहां इस प्रोडक्ट को हमें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। यहां से हम डिवाइड करेंगे तो दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे, देखिए जरा इस प्रकार से। तो इसी पार्ट को हम यहां लिखेंगे CH3, CH3, देन CH2, और यहां एक हैलोजन आप जोड़ दोगे ClBr। तो ऑप्शंस में कौन सा हैलोजन दिया है? ब्रोमाइड, इसलिए यहाँ Br जोड़ना। अब ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है? तो ये स्ट्रेट चेन, ये ब्रांच चेन रहेगा। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन को एक मिथाइल ब्रांच जुड़ा है, इसलिए प्रीफिक्स आइसो यूज करना। चार कार्बन है मतलब अल्काइल ग्रुप ब्यूटाइल रहेगा, Br के लिए ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ऑप्शन बी इज द आंसर। 47 क्वेश्चन। विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग ऑन रिएक्शन विथ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिव्स इथेन। सबसे पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला, इथाइल C2H5, मैग्नीशियम Mg, ब्रोमाइड Br। अब इसे हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे? तो हमें इथेन मिलेगा। इथेन का फॉर्मूला C2H6। अब आपको रिएक्शन को रिकॉल करना पड़ेगा। एग्जैक्टली चार ऑप्शंस में से किसके साथ? C2H5CN, CH3CHO, सॉलिड CO2 और H2O। तो देखिए आप इस रिएक्शन को देखने के बाद पता चलेगा यहाँ C2H5 है, यहाँ C2H6 है, मतलब कितने हाइड्रोजन ऐड हुए हैं? ओनली वन। अब ये एक हाइड्रोजन कहां से आएगा आपको सोचना पड़ेगा। तो यहां से हाइड्रोजन आने के चांसेस नहीं है, ये भी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ प्रोवाइड कौन करवाएगा? एग्जैक्टली वॉटर। अब किस प्रकार से रिएक्शन होगा वो भी हम बताते हैं। इथाइल ग्रुप जो है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता, मैग्नीशियम मेटल होने के कारण कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जुड़ा है, देयरफॉर इट कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फिर ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ अटैक करेगा? एग्जैक्टली C2H5 पे, जो न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करता है। C2H5+H बनेगा C2H6। अब वाटर के साथ अल्केन बन गया, एकेन बन गया, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी रहेगा। क्या कोई और भी कंपाउंड है जिसके साथ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इथेन बना सकता है? तो आंसर है एस। कौन कौन से कंपाउंड्स रहेंगे? तो एक तो रहेगा अमोनिया, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये C2H5 के साथ जुड़ेगा। या तीसरा रहेगा अल्कोहल, यहाँ ये हाइड्रोजन C2H5 के साथ जुड़ेगा। तो तीनों कंपाउंड्स आप अच्छे से याद रखो। 48th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 का मतलब सबको पता ही होगा, यूनिमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो रहेगा ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन किस प्रकार से रहता है? टर्शरी ग्रेटर देन, सेकेंडरी ग्रेटर देन, प्राइमरी। अब हमें क्या पहचानना है? लिस्ट रिएक्टिव। अब सबसे कम रिएक्टिव SN1 में कौन रहेगा? प्राइमरी। तो अब यहां हमें ऑप्शन ढूंढना है जो प्राइमरी रहेगा। ऑप्शन ए में ये कार्बन जो है जिसको Br जुड़ा वो दो कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये सेकेंडरी रहेगा। Br किस कार्बन को जुड़ा? ये दूसरे ए के कार्बन को जुड़ा, इसलिए प्राइमरी रहेगा। Br इज अटैच टू दिस कार्बन, ये दूसरे किसी कार्बन को जुड़ा नहीं है। इवन आफ्टर दैट बाय कन्वेंशन इट इज कंसिडर्ड टू बी प्राइमरी कार्बन, और ये कार्बन जो दूसरे तीन कार्बन से जुड़ा है टर्शरी रहेगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी और सी दो में से एक रहेगा, लेकिन कौन सा रहेगा? तो देखिए कैसे पहचानना। SN1 में
कम रिएक्टिव वही रहता है जिसका स्ट्रक्चर सिंपलेस्ट रहेगा, अनब्रांच रहेगा, कार्बन की संख्या सबसे कम रहेगी, और सबसे कम कहां है, इन ऑप्शन सी विच इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन यहां दिया है। अब किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए C2H5COOAG+BrCH3, इसका नाम है सिल्वर प्रोपियोनेट और यह है मिथाइल ब्रोमाइड, दोनों को हीट करेंगे इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, C2H5COO, यहां से Ag निकलेगा, Br ऐड होगा, मान के चलते हैं Ag निकल गया, Br ऐड हुआ, सो प्रोडक्ट CH3 प्लस रहेगा AgBr। अब मैकेनिज्म में हम नहीं जाएंगे, इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो सबसे पहले देखो बेटा ये एस्टर क्लास को बिलोंग करता है, एस्टर क्लास में नाम लिखते समय ऑक्सीजन को जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप का नाम सबसे पहले लिखना, जिसका नाम मिथाइल रहेगा और बाकी बचा पोर्शन जो है उसका नाम प्रोपियोनिक रहेगा। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन दिया है, रिएक्टेंट को हमें पहचानना है, यहां नाम दिया है प्रोडक्ट का प्रोपेन नाइट्राइड, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलती कैसे करते हैं, प्रोपेन मतलब यहाँ बच्चे लिखते हैं तीन कार्बन CH3 CH2 CH2, और नाइट्राइड इज द सफिक्स फॉर विच फंक्शनल ग्रुप, CN, इसको फिर CN जोड़ते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मूला बन गया, ऐसा उनको लगता है, बट फॉर्मूला इज रॉन्ग, हमें प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मूला लिखना है, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, ब्यूटेन नाइट्राइल का, टोटल नंबर ऑफ कार्बन हाउ मेनी, 4, ब्यूटेन अल्केन रहेगा CN नाइट्राइल, तो हमें क्या करना है, प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मूला लिखते समय कार्बन 3 होनी चाहिए, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। अब KCN के साथ किसको ट्रीट करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो ये CN यहां से आ गया, तो बाकी बचा हुआ पोर्शन क्या रहेगा, CH3 CH2, बाई प्रोडक्ट देखोगे तो यहाँ Br दिख रहा है, इसलिए हमें यहाँ Br को जोड़ना पड़ेगा, मतलब हमारा A जो रहेगा वो रहेगा CH3 CH2 Br। यहाँ IUPAC नेम्स दिए है, इसका IUPAC नेम आपको पता होना चाहिए, Br के लिए पहले प्रेफिक्स यूज करना ब्रोमो, दो कार्बन है अल्केन कौन सा रहेगा, इथेन, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन ए। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन या 50 PYQs हमने यहां डिस्कस किए हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स के, इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, आपको इसका फायदा मिल सकता है। ऐसे कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे, अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप प्लीज इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।